आज बना रहे हूँ पकौड़े की कढ़ी। तो पकौड़े की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर ले लिया मैंने सामान, बेसन को छान लिया है, दही ले लिया, दही की लस्सी बना के उसी से कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं बेसन डाल लेती हूँ पकौड़ियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लस्सी नहीं है तो लस्सी से नहीं बनाती हूँ कढ़ी। यहाँ पर दही है, दही से बनाऊंगी, दही को फेंट लूंगी, उसी की लस्सी बन जाएगी, फिर उसी से बनाऊंगी। यहाँ पर डाल लेती हूँ मैं बेसन। बेसन मैंने छान के रखा था, मोटे वाला बेसन है। यहाँ पर डालती है मैंने धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा डाल दिया है नमक और अजवाइन भी इसके अंदर डाल दी है। कस्तूरी मेथी मेरी ख़त्म हो गई है तो वो मैंने नहीं डाली है। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हाथ से फेंट लूँगी, अच्छा सा घोल बना लूँगी, ना ज़्यादा गाढ़ा बनाऊँगी ना पतला, जैसे गाढ़े के अंदर से पकते नहीं हैं पकौड़ियाँ और फिर अंदर से कच्ची रह जाती हैं, और छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊँगी यहाँ पर। और यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसमें दही को फेंट लेती हूँ, फिर उसमें डाल दिया मैंने बेसन। जैसे बेसन डाल के साथ में ही फेंट लूँगी, और ये साथ में रखी दिखाई दे रही है टमाटर। और ये सब्जी वाला आ गया था पीछे, मैंने सब्जी लाने चली गई थी नीचे। और पकौड़ी का घोल अच्छे से बन के तैयार हो गया था, मैंने 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी छोड़ दिया था, और यहाँ पर चढ़ा दिया था मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है तेल, अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने सिम आँच कर दी है, सिम आँच पर ही पकाऊंगी पकौड़ियों को। छोटे छोटे डालती हूँ और फूल कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे से हाथ से फेंट देती हूँ तो फिर अच्छी सी फूली फूली सी पकौड़ियाँ बनती हैं। और 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, थोड़ा सा गुनगुना पानी से घोल मैंने बनाया है। तो एक तरफ से पकी पकी सी हो गई है, मैंने पलट दी है दूसरी तरफ, पकौड़ियों को दूसरी तरफ से भी अच्छे से तल लेते हैं सिम आंच पर ही। तेज आंच पर पकाते हैं तो अंदर से अच्छे से नहीं पकते, और सिम आंच पर पकाते हैं तो अंदर तक पक जाता है, पक जाती हैं। जैसे इसमें अंदर से भी कच्ची कच्चा सा नहीं रहता, आटा सा नहीं लगता, अच्छे से पकौड़ियाँ पक के तैयार हो जाती हैं सिम आंच पर। तो एक बार की पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, कितनी ब्राउन ब्राउन सी, कितनी करारी करारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो एक बार की पकौड़ी बनने के बाद मैंने निकाल लिया है, दूसरी बार डाल देती हूँ इसी तरीके से, उनको भी करारी करारी सेक के और निकाल लूँगी। तो ये दूसरी बार की भी बन के तैयार हो गई हैं पकौड़ियाँ, इनको भी लेती हूँ निकाल, करारी करारी ही अच्छी लगती हैं ये। और जैसे कढ़ी में डलती हैं तो और फूली फूली सी बन जाती हैं पकौड़ियाँ, बच्चों को बहुत पसंद है पकौड़े वाली कढ़ी। तो यहाँ पर लगा देती हूँ मैं छोंक छोंक के लिए, मैंने तेल चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दिया तेज पत्ता और मेथी, हींग, ये सब सामान मैंने इसमें छोंक में डाल दिया है। और एक डाल दी मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च मेरी ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद जैसे पकने के बाद ये डाल दिया मैंने, जैसे दही में की लस्सी बनाई थी उसमें आटा बेसन मैंने मिक्स कर लिया था, पानी और बेसन, तो वो मैंने डाल दिया। अभी मसाले नहीं डाले हैं मैंने, क्योंकि मेथी पक गई थी जल्दी, तेल अच्छा गर्म हो गया था सूप वाला, तो फिर सीधा मैंने ये मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ यही डाल दिया है सीधा मैंने कढ़ी के लिए। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका लेती हूँ, नहीं तो एकदम छोड़ दूंगी तो लस्सी फट जाएगी। अभी मसाला नहीं डालूंगी, थोड़ी सी उबाल गर्म हो जाएगी उसके बाद मसाला डालूंगी। तो यहाँ डाल दी है मैंने हल्दी, जैसे एक बार हल्दी डाल दी फिर चला दिया, फिर दूसरी बार जैसे और दूसरा मसाला डाल दूंगी फिर चला दूंगी तो फटेगी नहीं। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने नमक, धनिया पाउडर, और लाल मिर्च,
ये सभी मसाले मैंने डाल लिए हैं, और गरम मसाला कढ़ी में कभी मैं नहीं डालती हूँ, बस ये नॉर्मल जैसे रोज़ मसाला डालते हैं ये कढ़ी में मैंने मसाला डाल दिए हैं। और इसको जैसे बॉईल नहीं आ जाएगी तब तक इसको चलाती रहूँगी, नहीं तो लस्सी इसकी फट जाएगी, कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो कढ़ी अच्छे से बॉईल होने लगी है, काफ़ी देर नहीं लगी, जैसे गर्मी है तो गर्मी में जल्दी ही पक जाती है, सर्दी में थोड़ा सा टाइम लेती है कढ़ी बनने में, तो अच्छे से बॉईल आ गई है कढ़ी। अब इसमें जैसे पकोड़े डालने हैं तो उसके लिए मैं कर लेती हूँ तैयारी। पकोड़े कैसे डालती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। इतना कढ़ी पकती रहेगी यहाँ पर, तो ये जैसे पकौड़ियाँ ले ली हैं और उसमें डाल दिया मैंने गुनगुना पानी, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया, जैसे हाथ से थोड़ा सा इसको कस के हाथ से भीज के, और फिर मैं इसमें पानी में डाल देती हूँ, तो जैसे नरम हो जाएंगे, कढ़ी में डालते हैं तो वो टाइट टाइट से रह जाते हैं, और थोड़े से गुनगुने पानी में हम इनको थोड़े से हाथ से सिकुड़ देते हैं और फिर पानी में डाल देते हैं 5-7 मिनट के लिए, तो बहुत टेस्टी और नरम पकौड़े बन जाते हैं। कढ़ी में जैसे डालते ही अच्छे से कढ़ी अंदर तक मसाला इसको चला जाता है, जैसे सीधा डालते हैं इसमें तो इतना अच्छे नरम नहीं होते हैं। तो 5-7 मिनट हो गई हैं, पकौड़ियाँ अच्छे से नरम हो गई थी, इसको पानी सारा निकाल दिया है मैंने हाथ से जैसे बिचूर के, और फिर इसमें कढ़ी में डालती हूँ पकौड़ियों को, इसका पानी निकाल के जैसे थोड़ी सी हाथ से भीज देते हैं तो नरम हो जाती हैं, फिर पानी में अच्छे से सेट हो जाती है। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, सॉरी, तो पकौड़े सारे मैंने इसमें डाल दी हैं। अब धीरे धीरे जैसे कढ़ी पकने लगी है, बीच बीच में जैसे पकौड़ियों ऊपर आ जाती हैं तो मैं चलाती रही हूँ, जैसे कढ़ी ऊपर आ जाए और पकौड़े नीचे, तो अच्छे से पक जाएं। और कढ़ी बने उस दिन चावल ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कढ़ी के साथ बनाने हैं चावल बच्चों के लिए, तो चावलों को कर लेती हूँ साफ। एक तरफ कढ़ी बन रही है और दूसरी तरफ चावल चढ़ा दूंगी, जैसे इसी में बनाऊंगी, खुले खुले चावल बनते हैं, जैसे कुकर में सिटी मरवाते हैं तो इतने खुले चावल नहीं बनते हैं। तो चावल बन के भी तैयार हो गए हैं और कढ़ी बन के भी तैयार हो गई है, और आटा मैंने लगा लिया था रोटियों के लिए, तो रोटी साथ में बना रही हूँ। तो बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को डाल देती हूँ खाना, गरम गरम खा लेंगे। कढ़ी में मैंने घी डाल दिया है, रोटी के ऊपर भी थोड़ा सा लगा दिया घी अच्छे से, और साथ में डाल देती हूँ चावल। चावल भी बन गए थे मेरे ही, जैसे कढ़ी पकी इतने चावल भी पक गए थे। तो खाना बन के तैयार हो गया है, साथ साथ बनाती रहूंगी और बच्चों को देती रहूंगी, तो बच्चे खा लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें जरूर।